हेलो एवरीवन, दिस इज निहारिका तिवारी एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर सम ऑफ द थिंग्स रिलेटेड टू माय लाइफ. इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू ऑल रिगार्डिंग द डिसीजन दैट वी यूज टू टेक इन आवर लाइफ एंड एट द एंड वी रिग्रेट ऑफ डूइंग इट. राइट, सो जैसे कि आप सब लोग भी एक बहुत ही बड़ा स्टेप लेने वाले हैं अपनी लाइफ में. आफ्टर कंप्लीटिंग योर ट्वेल्थ यू आर गोइंग टू डू सम कोर्सेज. राइट, सो एक मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ कि मैंने क्या गलती कर दी और क्या चीज़ें हैं. सो इस वीडियो में मैं आपसे वो सारी चीज़ें डिस्कस करने वाली हूँ ताकि आपको भी हेल्प हो अगर आप भी कोई ऐसा डिसीजन लेने वाले हैं. सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो गाइस, जैसा कि मैंने कहा कि इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अपने एक्सपीरियंस को. सो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जब कोई कोर्स करने वाले होते हैं हमें उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है या हमारे पास ऑप्शंस नहीं होते हैं. हमें लग रहा होता है कि हमारे पास ऑप्शंस नहीं हैं और हम एक ऐसे कोर्स को परस्यू कर लेते हैं जिसे बाद में हमें रिग्रेट होता है कि शायद हमें ये कोर्स नहीं करना चाहिए था. राइट, सो मेरा ही एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ. वो ये है कि मैंने एक डिसीजन लिया था कि मैं डीएलएड करना चाहती हूँ. राइट, बहुत लोगों को डीएलएड के बारे में पता होगा, इट इज़ डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन. नहीं पता होगा तो मैं बता दे रही हूँ कि ये एक डिप्लोमा कोर्स है जो कि बेसिकली आपको एज अ यू नो प्राइमरी टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल में अप्लाई करने के लिए मीन्स एज अ एलिजिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप ऐसा कर सके और आप एज अ पढ़ा सके. ठीक है, सो ये है एक कैजुअल डिस्क्रिप्शन ताकि जो भी नॉर्मल लोग हैं जो इस फील्ड से नहीं बिलोंग करते उनको भी समझ में आ जाए कि ये क्या है. राइट, सो मैंने इस कोर्स को ऑप्ट करने का डिसीजन लिया और हाँ, मुझे पता था कि ये हिंदी में है. ठीक है, बट एज़ मैंने बहुत लोगों से इसके बारे में पूछा कि क्या मैं ये कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, सो लोगों ने बोला कि हाँ कर लोगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है. एंड आई एग्री टू डैट कि येस. सो मैंने ये क्यों डिसीजन लिया, क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शंस नहीं थे. ठीक है, मैं एक ऐसे पॉइंट पे थी कि जहाँ पे मेरे पास कोई और ऑप्शंस नहीं है. या तो एक था कि ड्रॉप कर दो या तो था कि मूव ऑन कर लो किसी कोर्स के साथ. सो जैसे कि मुझे एक टीचिंग लाइन में जाना था तो मैंने सोचा कि येस व्हाई नॉट, चलो लेट्स डू दिस. ठीक है, सो मैंने इसे ऑप्ट कर लिया. ठीक है, सो आपके भी लाइफ में ऐसी चीज़ें आती होंगी, आप भी कोई कोर्स करने वाले हैं अभी, जैसे आप कुछ कर रहे हैं. ऐसा सपोज कर लिए आप बीए करने वाले हैं. ठीक है, सो आपको लग रहा है कि बीए के अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शंस नहीं है एज मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, या जो भी आप अपने दिमाग में चीज़ों को लेकर चल रहे हैं और आपने इसे ऑप्ट कर लिया है. बट आई विल सजेस्ट यू कि आप ये जो चीज़ है उसको और अच्छे से एनालाइज कर लें, देख लें कि क्या ये इन फ्यूचर लॉन्ग टर्म आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है या नहीं होने वाला. क्या जो भी चीज़ें इसमें आपको करनी पड़ेंगी वो आप कर सकते हैं, रेडी हैं या नहीं. बिकॉज मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू मैं आपको हेल्प इसी चीज़ में कर सकती हूँ कि मैं आपको एक क्लैरिटी दे पाऊँ अपने एक्सपीरियंस के थ्रू कि कभी कभी कुछ डिसीजन जो हम लोग ले लेते हैं वो बाद में हमें रिग्रेटफुल लगते हैं और हमें लगता है कि शायद ये नहीं करना चाहिए था. ठीक है, सो जैसा कि मैंने कहा कि डीएलएड का ले लिया और मुझे ये हिंदी में करना पड़ रहा है, मुझे बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आ रही है. मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, मुझे कभी कभी लगता है कि ये मैं क्यों कर रही हूँ, बिकॉज ये मेरे लिए बना ही नहीं है. एंड जो मेरा मेन टारगेट है उसको भी मैं आपसे कभी वीडियो में शेयर करने वाली हूँ. एज माई जर्नी में मैं आपसे शेयर करूँगी कि क्या है और कैसे मैं इस ट्रैप पे आ गई, ये सब कुछ मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ. बट बेसिकली यहाँ पे मैं आपसे यही शेयर कर रही हूँ कि कोई भी कोर्स ऑप्ट करने से पहले पूरा माइंड क्लियर कर ले, सोच ले कि क्या ये सही होगा या नहीं होगा. बिकॉज बाद में जो रिग्रेट होता है वो आपको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, मेंटली और फिजिकली टू. राइट, सो मैंने डीएलएड करने का डिसीजन लिया और ये रिग्रेट है क्योंकि सीबीएसई से ही मैंने अपनी पढ़ाई की है और आप जैसे कि जानते हैं इंग्लिश मीडियम है. ठीक है, सो इंग्लिश मीडियम से जाने के बाद डायरेक्ट आप यू नो जंप कर जाते हो हिंदी में. मीन आफ्टर कंप्लीटिंग योर क्लास 12 विद इंग्लिश एंड आफ्टर कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशन विद इंग्लिश एंड देन मूविंग अहेड विद द हिंदी, इट्स कंप्लीटली डिजास्ट्रस फॉर दोज हु आर लाइक मी, हु आर नॉट कंफर्टेबल. एज आई एम नॉट सेइंग कि हिंदी यू नो हिंदी बहुत कंफर्टेबल है, मैं बहुत ईजिली हिंदी बोल सकती हूँ, बात कर सकती हूँ, आई लव हिंदी. बट हिंदी में वो जो खड़ी हिंदी होती है ना, जो मतलब ऐसे ऐसे शब्द होते हैं जिनका मतलब ही आपको नहीं समझ में आता है. खुद अपने सिचुएशन में समझिए कि साइंस के जो आप टॉपिक पढ़ते हैं वो आप अगर हिंदी में पढ़ें, जो बच्चों ने इंग्लिश में आज तक चीज़ें पढ़ रखी हैं केमिकल रिएक्शन एंड ऑल, अब आपको हिंदी में पढ़नी पड़ जाए तो वो नहीं हो पाता, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है. मेरे लिए तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है और मैं वो कर रही हूँ. कभी कभी मुझे रिग्रेट होता है, कभी कभी मेरे माइंड में ऐसी चीज़ें आती है कि मैं सब छोड़ दूँ, ख़त्म करूँ, मैं कुछ और कर लूँ. बट देन यू नो एक प्रेशर होता है, फैमिली प्रेशर होता है कि यार अगर नहीं किया और बाद में अगर हो सकता है कि इससे कुछ बेनिफिट हो गया तो सब बोलेंगे कि क्यों नहीं किया तुमने, तो तब छोड़ दिया था, अब रिग्रेट हो रहा है. ठीक है, सो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना वो स्टॉप कर रही होती हैं.
अभी मैं जिस ट्रैप पे हूँ तो मुझे लग रहा है कि चलो ठीक है कंटिन्यू कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा डीएलएड मैंने अप्लाई किया जब मेरा फर्स्ट सेमेस्टर होने वाला तब लॉकडाउन हो गया, सेकेंड सेमेस्टर चल रहा है पेपर का कुछ पता पता नहीं है, फर्स्ट सेमेस्टर हो गया सेकेंड सेमेस्टर हो गया अभी तक मैंने कोई भी पेपर नहीं दिए हैं। अब ये ना एक लग रहा है कि चलो ठीक है अभी जैसे चल रहा है चलने दो, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे क्विट भी करना चाह रही होती देन भी मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अब वो चीज़ें चल रही हैं और आई थिंक कि ये डेस्टिनी ही है कि मुझे ये करना पड़ रहा है फर्दर। और हो सकता है कि आप लोग बहुत लोग सोच रहे हो कि छोड़ देना चाहिए, बट यू नो आप भी अगर इस सिचुएशन में होते हैं आप भी तो कहीं ना कहीं से आपको भी लग रहा होता कि अगर छोड़ दिया और बाद में कुछ हो गया अच्छा तो सुनने के लिए भी बहुत चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं जो स्टॉप कर रही होती हैं, मुझे भी यही सारी चीज़ें स्टॉप कर रही हैं यहाँ पे। आई एम लिटिल बिट कन्फ्यूज बिकॉज ऑफ यू नो फैमिली प्रेशर एंड बिकॉज कि मे बी इट कैन हैपन एनी थिंग लाइक दैट, बट इतना तो क्लियर है मुझे कि मुझे प्राइमरी स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए मैं नहीं बनी हूँ, मुझे जो है वो एज अ प्रोफेसर वर्क करना है, एज अ यू नो बड़े बच्चों को पढ़ाना है। ये चीज़ को लेकर तो मैं क्लियर हूँ अपने लाइफ में और मैं इस पर ही फोकस करने वाली हूँ, दो मैं ये चीज़ कर रही हूँ और देखती हूँ कैसा ये एक्सपीरियंस है जो इस चीज़ का वो मेरे लिए बेनिफिशियल रहता है या नहीं रहता है। तो ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी कुछ ऐसा कोर्स कर रहे हैं जहाँ पे उन्हें भी ट्रैप फील हो रहा है, और बहुत सारे बच्चे हैं जो अब 12th के बाद कोर्स करने वाले हैं। मैं उनको बता रही हूँ कोई भी फैमिली प्रेशर अगर है और या फिर कोई भी चीज़ है जो आपको मतलब मजबूर कर रही है वो कोर्स करने के लिए जहाँ पे आपका मन नहीं है, सो गाइस थिंक अपॉन इट बिकॉज यू फिजिकली एंड मेंटली डिस्टर्ब टू, सो थिंक बिफोर ऑप्टिंग एनी कोर्स, थिंक वेदर इट्स सूट्स यू, थिंक वेदर यू विल बी एबल टू वर्क ऑन इट और नॉट, देन ओनली टेक द डिसीजन ऑफ डूइंग दिस, बिकॉज एज माई एक्सपीरियंस आई एम शेयरिंग विद यू ऑल एंड आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू आउट कि जो भी डिसीजन लेना है सोच समझ के लेना है, मेरे तरह रिग्रेट मत करना। हो सकता है कि यू नो बस सोच रहे हैं कि हो सकता है कुछ अच्छा हो सकता है, ऑब्वियस है कि करेंगे अब करने हैं तो करना ही है, ठीक है। अगर आपको नहीं है मन सो मत लें, और जिस चीज़ में भी मन है जिस चीज़ में भी इंटरेस्ट है जिस फील्ड में भी इंटरेस्ट है गो अहेड विद दैट, ट्राई टू कन्विंस योर फैमिली, ट्राई टू कन्विंस योर सेल्फ टू। एंड इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप कि आपकी कुछ भी हेल्प हुई होगी इस वीडियो के थ्रू, और कोई भी डाउट्स है या कोई भी आपके मन में क्वेश्चंस है या आप भी मेरी इस सिचुएशन को फील कर पा रहे हैं देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।